नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज। मेरे साथ मैं हूं मनोज प्रजापति, दिल्ली से। यूट्यूब पर रील देखकर चोरी करने का बनाया प्लान, ज्वाइंट सीपी सागर सिंह कलसी ने किया खुलासा। ताज़ा मामला, पूर्वी जिले के पटपटगंज इंडस्ट्री एरिया थाना इलाके में लगातार हो रही मोबाइल चोरी का है। वारदात में इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। आरोपी पिछले एक साल से लगातार मोबाइल चोरी को अंजाम दे यूपी बिहार और नेपाल बॉर्डर पर भारी कीमत पर मोबाइल बेच दिया करता था। पुलिस के मुताबिक पीआईए थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी की घटना सामने आ रही है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस मुखबिर ने सूचना दी कि मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह का सरगना कबालुल्ला, जो सैकड़ों मोबाइल चोरी के बाद मोबाइल की खेप यूपी और नेपाल में पहुँचाता है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के आधार पर कबातुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। ज्वाइंट सीपी पूर्वी रेंज सागर सिंह कलसी ने बताया, पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मंगलवार को कबातुल्ला मोबाइल की खेप लेकर ईडीएम मॉल के पास आने वाला है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर कबातुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। कबातुल्ला के पास से चोरी के 35 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए, जिन्हें वह नेपाल जाकर बेचने वाला था। कबातुल्ला मोबाइल में डिजिटल मनी ऐप के पासवर्ड बदल कर पैसा भी ट्रांसफ़र करता था। अभी तक 45,000 रुपये ट्रांसफ़र कर पीड़ित मोबाइल से उड़ा चुका था। वह पिछले 2 साल से मोबाइल फ़ोन की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को पुलिस ने बड़ी कामयाबी मान रही है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और कबातुल्ला के साथ गिरोह में और कितने शख्स शामिल थे और कितनी वारदात को ये गिरोह अभी तक अंजाम दे चुका है, चलिए आपको सुनाते हैं पूरी दिल्ली रेंज ज्वाइंट सीपी सागर सिंह कलसी का इस मामले पर क्या कहना है। बने रहे मतलब इसको हमने पकड़ लिया। वो 35 फोन में से हमारे 22 फोन जो हैं वो EFIR और जो लॉस रिपोर्ट वगैरह होती है जो उसके साथ लीक भी हो गए हैं, और बाकी फोन जो हैं कुछ लॉक्ड हैं, उन सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमारी टीम इस कबातुल्ला के ऊपर लगी हुई थी। हमारा एक 29 दिसंबर 2023 का एक केस है, जिसमें एक हमारे गाजीपुर गांव के ही पीआईए थाना के कंप्लेनेंट थे, जिनका फ़ोन चोरी हुआ और उनको आगे पता चलता है कि उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से उस फ़ोन को यूज़ करके और 45,000 के करीब रुपए चले गए हैं ट्रांसफ़र। उस 45,000 में से 40,000 तो एक ATM था जिससे ये निकाले हैं, जो कि ATM वैशाली यूपी का है। हमें वहाँ की फुटेज भी मिली है एज एविडेंस, जिसमें ये कबातुल्ला दिखा है। जो बाकी के 5,000 रुपए हैं, ये एक जो एयरटेल मनी ट्रांसफ़र होता है जैसे पेटीएम के ज़रिए, ये जो पैसे थे वो इस फ़ोन से एक अकाउंट में गए, उस ए से बी और बी से जो सी अकाउंट है वो कबातुल्ला का अकाउंट है, जो हमने फ़ोन के सर्वेलेंस के आगे पता किया। उस कबातुल्ला की लोकेशन गाजीपुर गांव की ही आ रही थी, एक महीने से हमारी टीम ताक में थी। तो ये एक हमारा अपना खुद का केस, और बाकी के केस भी PIA के ही हैं। तो ये इस तरीके से एक अच्छा खुलासा हुआ है। इनकी टीम के जो कुछ सदस्य जो गैंग के हैं, वो हमें पता चला है कि वहाँ अरडिया में भी हैं, तो हमारी टीमें अभी वहाँ भी जाएंगी। इन दौरान तफ्तीश पता चला है कि ये कबातुल्ला जो है, ये पिछले 2 साल से ये अरडिया का रहने वाला है, 10वीं तक पढ़ा है, और ये पिछले 2 साल पहले ही अभी दिल्ली आया है। दिल्ली आके ये हमारी जो ये गाजीपुर में मंडी में मछली मंडी में ये एज ए लेबर काम करता था। इसके साथ इसका दोस्त एक ईशब है, वो भी 22 साल का है, वो भी अरडिया बिहार का रहने वाला है। इन दोनों ने एक यूट्यूब पे एक रील जो आती है, छोटी रील, उसमें ये देखा कि फ़ोन किस तरीके से जल्दी से चोरी करके और बॉर्डर पे सस्ते दाम, महंगे दाम पे बेच सकते हैं। वो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए, रील से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये काम शुरू किया। और कुछ साल को पहले इन्होंने कुछ मोबाइल इकट्ठे करके चोरी करके और वहाँ बेच के आए हैं। तो ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। जो हमारा मेन अक्यूज कबातुल्ला है, इसके ऊपर एक केस अरडिया बिहार का है। तो ये अभी हम इनको PC पे लेकर इनके आगे और भी इसका ज्ञान कर सकते हैं। तकरीबन सर, इन्होंने कितने मोबाइल अभी तक यहाँ दिल्ली से वहाँ पहुँचा दिए होंगे? ये 100 से ज़्यादा मोबाइल इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन अभी जो हमारे हैं इस बार 35 के आसपास जो है हमने 35 पकड़े हैं।
तो सर क्या रिसीवर को भी पकड़ा है कि मोबाइल किसी के यूज होते थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नेपाल है। बिल्कुल, ये देखिए जो जैसे आईफोन होता है 1,00,000 रुपए का, तो यहाँ दिल्ली में ये कुछ 8-10 हज़ार का बिकेगा, लेकिन ये वहाँ पर 25-30 हज़ार रुपए का बिक जाता था। तो इनका जो ट्रांसफ़र यहाँ से जाने का, अपने घर में जाते थे और वहीं पर अररिया बॉर्डर जो है नेपाल का, वहाँ पर भेजते थे। सर देखा गया कि मोबाइल चोरी होने के बाद, जैसा कि आपने बताया 40 से 50 हज़ार ट्रांजेक्शन हुए, ऐसे कहीं देखा गया चोरी होने के बाद कहीं मोबाइल जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, तो क्या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अभी तक इन मोबाइल चोरी से हुई है? ये अभी हमारी तफ्तीश हमारी ऑन है, अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन अभी जाँच जारी है। ये नेपाल के अंदर किसे फ़ोन सप्लाई किया करते हैं? ये अभी जांच का विषय है, हम अपनी टीम जो है अररिया वहाँ भेजेंगे इसको पीसी पे लेकर। ये यही कह रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पे ये भेजते थे।